नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टेक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शहीद दिवस का आयोजन। सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को 21 जुलाई के अवसर पर शहीद दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 40 के तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद सत्यजीत अधिकारी ने पार्टी का झंडा फहराया। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के 40 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस पक्ष থেকে আমাদের যে ওয়ার্ড কার্যালয় এই ওয়ার্ড কার্যালয়ের মধ্যে আমরা আজকে শহীদ দিবস পালন করলাম। বিগত দিনে আমরা দেখছি যে যতবারই শহীদ দিবস হয়েছে আমাদের কলকাতা থেকে ডাক আসতো, সেই দিনের নির্দেশে আমরা ধর্মতলায় গিয়ে শহীদ দিবসটা পালন করতাম। কিন্তু গত 2 বছর থেকে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা চাই না যে কোনো ভিড়ভাট্টার মধ্যে যেতে। সেই কারণে আমাদের যে রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব যে নির্দেশ, যে প্রতিটি ওয়ার্ডে প্রতিটা বুথের মধ্যে আমাদেরকে শহীদ দিবস পালন করতে হবে, তার জন্য আমরা আজকে এই ওয়ার্ড কমিটিতে উপলক্ষে শহীদ দিবসটা পালন করছি। আর 1993 সালে আমাদের দিদি যখন যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন, সেই সময় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অভিযানের সময় যে 13 জন যোদ্ধা আমাদের প্রাণ গেছিল, সেই যোদ্ধাদের মনে রাখার জন্য, সেই শহীদদেরকে মনে রাখার জন্য, স্মরণ করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটা বছর শহীদ দিবস রূপে এই 21 জুলাই দিন থেকে পালন করতেন। कोरोना संकट के बीच देश भर में हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है बकरीद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। आज मुस्लिम समुदाय के लोग अपना सबसे बड़ा त्यौहार बकरीद मना रहे हैं। बकरीद के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की मुबारकबाद देते हुए ट्विटर पर लिखा, ईद मुबारक, ईद उल अदा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन सामूहिक सहानुभूति, सद्भाव और अधिक से अधिक अच्छे की सेवा में समावेश की भावना को आगे बढ़ाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, सभी देशवासियों को ईद मुबारक। ईद उल जुहा के एक समावेशी समाज में एकता और बंधुत्व के लिए प्रेम और बलिदान की संभावना के प्रति सम्मान व्यक्त करने और एक साथ काम करने का त्यौहार है। आइए हम कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने और सभी की खुशी के लिए काम करने का संकल्प लें। 15 कछुओं के साथ युवक गिरफ्तार, बिहार से लाया जा रहा था सिलीगुड़ी। निजी बस में छापेमारी कर वन विभाग ने आरोपी को पकड़ा। बैकुंठपुर वन विभाग के शालुगढ़ा रेंज के वन कर्मियों ने गुप्त सूचना पर अभियान चलाकर एक युवक को 15 कछुओं के साथ हिरासत में लिया। बुधवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। वन विभाग सूत्रों के अनुसार इन कछुओं को बिहार से दक्षिण दिनाजपुर के गंगारामपुर होते हुए सिलीगुड़ी लाया जा रहा था। बुधवार की सुबह वन विभाग के अधिकारियों ने अभियान चलाकर एक निजी बस से 15 कछुओं के साथ बब्बन सरकार नामक युवक को गिरफ्तार किया। ADFO जयंत मंडल ने संवाददाताओं को बताया कि कछुआ को बेचने के उद्देश्य से लाया जा रहा था। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद छापेमारी कर युवक को कछुओं के साथ गिरफ्तार किया गया। बुधवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया। বিহার থেকে গঙ্গারামপুর হয়ে সিএমি ঢুকছে মেনলি খাওয়ার জন্য, আর থেরাপিস্টে অনেক সময় ইউজ হয় মেডিসিনাল পারপাস। देश में ब्लड फ्लू से इंसान की मौत का पहला मामला आया सामने। एम्स में 11 साल के बच्चे ने तोड़ा दम। एम्स की पेडियाट्रिक्स विभाग में भर्ती एक 11 साल के बच्चे ने ब्लड फ्लू के संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। डॉक्टर के मुताबिक
बच्चा H5N1 वायरस से संक्रमित था। देश में इस साल बर्ड फ्लू से यह पहली मौत हुई है। बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद उसे 2 जुलाई को एम्स में भर्ती कराया गया था। सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वायरस का पता लगाने के लिए एम्स द्वारा बच्चे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें मंगलवार को एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जलपाईगुड़ी में मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। पूरे देश और राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी में भी आज ईद उल अज़हा यानी बकरीद का त्यौहार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जा रहा है। जलपाईगुड़ी के विभिन्न मस्जिदों में आज मुस्लिम धर्मावलंबियों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा किया। हालांकि लोगों की संख्या मस्जिदों में काफ़ी कम थी और यहां पर भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया गया। बुधवार को 4 नंबर गुमटी पुरातन मस्जिद, नवाबबाड़ी और दीन बाज़ार मस्जिद में लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा थी। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने लोगों से नमाज अदा कर दुनिया में शांति और अमन के साथ कोरोना मुक्ति के लिए दुआएं की। सर्वप्रथम প্রত্যেককে আমরা জলপাইগুড়ি নবাবাড়ি মসজিদের তরফ থেকে ঈদ মোবারক জানাই। আজকে আমরা যতটুকু পেরেছি সরকারি নির্দেশ মেনে সোশ্যাল ডিসটেন্স বজায় রেখে ও প্রত্যেককে মাস্ক পরে আমরা সবথেকে কম করার চেষ্টা করেছি মানুষজন। তো আমরা দুটা ভাগে ভাগ করেছি। আমাদের একটা সর্বপ্রথম জমাতে যেটা 7:30 হলো আর একটা 8:30 হবে। তো আশা করা যায় এখানে কোনো অসুবিধাও হয়নি। আর আমরা প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছি যেন আমাদের যে মহামারী চলছে এই মহামারী থেকে আল্লাহ তাআলা যেন সারা বিশ্বের মানুষকে মুক্তি দেয় ও আমরা প্রত্যেককে পুনরায় আগের মতো জীবনযাপন করতে পারি, এটাই আশা রাখি। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपा सारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's heal. Promoting healed and empowered life is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426 Siliguri. The vayon se chutkara alkaline pani ka sahara. पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र ₹125 प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा ₹200 प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, शुरू करते हैं खबरें। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद आंदोलन की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ता पूरे राज्य में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के सदस्यों का टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। वहीं माधरीहाट से भाजपा विधायक मनोज तिग्गा ने कहा कि तृणमूल से जुड़े बदमाशों के हाथों भाजपा कार्यकर्ता अपनी जान गंवा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोविड परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी 30 जुलाई से आंदोलन किया जाएगा। आलिपुरद्वार जिलार हमारे कन्वेनर संयोजक महाशय जेटा बोलें आज के ये हमारे आज के ये कार्यक्रम तो सारा राज्यव्यापी जिला अफिस अनुष्ठित हो क्यों ह्यूमन रईट्स रिपोर्ट अनुजाई क्यों तथ्यगुलो उठे एस समस्त जिन अपने तुले धरे तो निश्चय जेटा ह्यूमन रईट्स कमिशनर जो तथ्यगुलो उठे एस बार बार एखानकार सरकार के प्रशासन के बार बार आवेदन करार फल क्यों जो उद्योग नवा उचित से राज्य सरकार से उद्योगगुलो नहीं क्यों हमारे 48 जन कर्मी के प्राण टीएमसी आश्रित दुष्कृती हाथे प्राण हाराते हो गतकाल के रायगंजे एक जन के मेरे गाचे झोलानो हो रखम प्रचुर घटना आ सेटा उन्नी तुले धरे निश्चय आगामी दिन जो घटनागुलो घटे से सर्वभारतीय दल हमें निश्चय एक बड़ो आकार आगामी दिन ये करोना महामारी के माथाय रेखे 30 तारीख अब्दि लकडाउन चलते आगामी दिन ये करोना महामारी के माथाय रेखे एवं राज्य नेतृत्व जेटा आदेश आसबे से आदेश अनुजाई जिला के जिलावाड़ी आंदोलन नाम पूर्व बर्धमान ये कैकटी जगह पूछते पे क्यों हमें जमीन आलिपुर दुआरे अनेक जगहते ही भायोलेंस हो जमन फलाघाटार 14 नम्बर मंडल 8 माइले बाड़ी भांगचुर एकदम लुटतरस हो मदारीहाट सीसाबाड़ी प्राय 6 बाड़ी भांगचुर लुटपाट हो सर्वस्व लुट कर नहीं गेसब घटना क्योंकि उल्लेख करा नहीं हाँ आलिपुरदुआर विवेकानंद वार्ड से और अनेक जगहते तो আমরা তার পরবর্তীতে আমরা লক্ষ্য করি যে এই সব অভিযোগগুলো স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন যারা এই দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল তৃণমূলের আশ্রিত দুষ্কৃতী তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে গ্রেপ্তার করেননি তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যে ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ছিল তা করেননি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব ঘটনার গুরুত্ব সে খুব লঘু ধারা দিয়ে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এমন ঘটনা ঘটেছে তো আমরা এটাই জানাতে চাই যে বাংলায় কিভাবে আইনের শাসন এখানে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এখানে শাসকের শাসন চলছে। देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी। 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा नए केसेस सामने, करीब 4,000 संक्रमितों ने गवाई जान। देश में बीते 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम 30,093 केसेस दर्ज किए गए थे, लेकिन बुधवार को एक बार फिर 40,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,015 नए कोरोना केसेज आए और 3,998 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,977 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, यानी कि कल 1,040 एक्टिव केसेस बढ़ गए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी 4 लाख से ज्यादा ही है। कुल
407,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,16,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,18,480 लोगों की मौतें हो चुकी है। अच्छी बात यह कि 3,03,90,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई तक देश भर में 41,54,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 34,25,000 टीके लगाए गए। वहीं ICMR के अनुसार अब तक 44,91,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.52 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। अलीपुरद्वार में भाजपा समर्थकों का तृणमूल कांग्रेस में पलायन लगातार है जारी। भाजपा जिला परिषद समिति तथा पंचायत सदस्यों सहित भाजपा के 300 कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कालचीनी के सावित्री धर्मशाला में तृणमूल की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जयगांव क्षेत्र के सदस्य पासांग डिक्की शेरपा, पंचायत समिति की सदस्य सीता देवी और पंचायत सदस्य फुरबा लामा समेत 300 लोग तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। आज के जीपी थेके बहु मानुष दले योगदान कर निर्वाचन आगे ऐड़े कैक जन मेम्बर जनप्रतिनिधि तृणमूल ऐड़े बीजेपी ते जोग दिए ता तर भूल बुझते पे उपलब्धि करते पे मुहूर्ते तृणमूल कॉग्रेस छाड़ा को विकल्प नहीं মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। তাই আমাদের জেলা পরিষদের সদস্য পাশান ডিকি শেরপা, যিনি বিধানসভার আগে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি সহ আমাদের জয়গা টুয়ের পূর্বা লামা সহ আমাদের সীতা দেবী সহ সমস্ত যারা আমাদেরকে ছেড়ে গিয়েছিলেন তারা ফিরে এলেন আজকে আমাদের দলে। এছাড়াও যারা মূলত বিজেপি করতেন এই তিনটি অঞ্চলে তাদের অনেকেই যারা আজকে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছেন, বিশেষ করে দলসিংপাড়া জয়গা ওয়ান এবং জয়গা টু। दालखोला नगरपालिका की ओर से वार्ड स्तरीय टीकाकरण का शुभारंभ। दालखोला नगरपालिका के तत्वाधान में नगर में वार्ड आधारित मेगा कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। 22, 23 और 24 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित स्थान पर वार्ड स्तरीय टीकाकरण किया जाएगा। प्रथम बार इन केंद्रों में 18 साल से ऊपर के नागरिकों को भी टीका लगाया जाएगा। दालखोला नगरपालिका के प्रशासक सुभाष गोस्वामी ने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि दालखोला के सभी नागरिकों को टीकाकरण कराने का अधिकार मिले। कीटनाशक को जूस समझकर पीने के कारण दादा की मौत, पोती की हालत नाजुक। मालदा की जमीन में दिए कीटनाशक को जूस समझकर पी जाने के कारण दादा की मौत हो गई। घायल अवस्था में पोती का इलाज चल रहा है। घटना गाजोल थाने के अदीना इलाके की है। मृतक की पहचान 50 वर्षीय रणपति सिंह के रूप में की गई है। घायल पोती अर्पिता सिंह 2.5 साल की। स्थानीय पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि कीटनाशक को कल दोपहर घर में जूस की बोतल में रखा गया था। उस समय अर्पिता ने खेलते खेलते उसे पी ली। बाद में दादा रणपति ने भी इसे पी लिया। दोनों को इलाज के लिए पहले गाजोल ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां स्थिति अधिक बिगड़ने पर दोनों को मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया। रात में इलाज के दौरान रणपति मंडल की मौत हो गई। घायल पोती अर्पिता का मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए SK Live। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।